आपकी बाइंग डिसीजन को हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हम ले रहे हैं एक सेगमेंट, जी हाँ, वो सेगमेंट जिसमें इस वक्त अच्छे खासे वॉल्यूम देखे जा रहे हैं और जिस सेगमेंट में हर मैन्युफैक्चरर की गाड़ी भी मौजूद है। हम बात कर रहे हैं सब 4 मीटर सेडान मार्केट की। कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सेडान मार्केट में 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें टक्कर है बराबर की। इनमें मार्केट लीडर और सबसे पुरानी होने के साथ साथ सबसे मजबूत है मारुति स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पर बनी इस गाड़ी की दिल्ली एक्स शोरूम कीमत है 5.23 लाख और जाती है 8.5 लाख तक। इसके बाद बारी आती है Hyundai Xcent की। ग्रैंड आइटन के प्लेटफॉर्म पर बनी इस गाड़ी के पेट्रोल और डीजल में 8 वेरिएंट मौजूद हैं और फीचर से लोडेड इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 5.37 लाख से और जाती है 8 लाख तक। अब हम जिस गाड़ी की बात करें, इस गाड़ी ने होंडा की भारत में तस्वीर को बदल कर रख दिया। होंडा अमेज, इस गाड़ी के साथ होंडा ने अपने पहले डीजल इंजन को उतारा और साथ में वॉल्यूम्स में दिखा जबरदस्त इजाफा। होंडा अमेज की कीमत शुरू होती है 5.46 लाख से। कीमत के मामले में सभी गाड़ियां एक दूसरे से काफी नजदीक हैं और इस जंग में अगली गाड़ी है टाटा की जेस्ट। गौरतलब है कि सब 4 मीटर सेगमेंट की शुरुआत टाटा ने ही अपनी इंडिगो ECS के साथ करी थी। कीमत शुरू होती है 5.8 लाख से। इस सेगमेंट के बढ़ते वॉल्यूम्स ने बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी मजबूर किया और एंट्री हुई फोर्ड एस्पायर की। फीगो पर बनी इस सेडान को लोगों ने बेहद पसंद किया और कीमत शुरू होती है 5.21 लाख से। इस खेल में सबसे लेट एंट्री हुई है Volkswagen Ameo की और इस सेगमेंट में यही अकेली गाड़ी है जिसमें फिलहाल डीजल का ऑप्शन नहीं है। कीमत शुरू होती है 5.5 लाख से और जाती है 8.5 लाख तक। तो अब सब 4 मीटर सेडान मार्केट के, यानी कि एंट्री लेवल सेडान मार्केट है, इस मार्केट के जो किरदार हैं उनसे तो आप मिल लिए हैं, लेकिन इन किरदारों में से एक गाड़ी निकालना काफी मेहनत का काम है और अकेले बहुत मुश्किल है। और Zeegnition टीम के साथ आज एक बड़े खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आशीष झा जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं। फाइव कार्स इन द सेगमेंट, लेकिन एक ही गाड़ी है अगर मैं कहूं कि जिस पर लोगों का झुकाव जो है वो सबसे ज्यादा है, डिजायर जो मारुति की है सब 4 मीटर सेडान, वो जब से लॉन्च हुई है सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है इस सेगमेंट की। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल सेल्स की बात करें तो टॉप 10 गाड़ियां जो इंडिया में बिकती हैं उसमें से वो टॉप 3 में डेफिनेटली रहती है। अगर आप पिछले महीने की बात करें तो डिज़ायर ने मेरे ख्याल से करीबन 17,000 यूनिट 16,900 के आसपास महीने की बिक्री की थी। किसी भी कस्टमर को शोरूम तक खींचने का जो सबसे पहला काम करता है वो करता है गाड़ी का डिजाइन, और ये वो सेगमेंट है जहां पर हम डिजाइन के लिए कह सकते हैं कि इंजीनियर के पास लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट में उनको काम करना पड़ता है। 4 मीटर से छोटी बनाने की कोशिश की जाती है हर गाड़ी को, या तो वो हैचबैक पे बेस्ड होती है या फिर किसी बड़े सेडान के पोर्टफोलियो पे, यानी कि काटना या फिर जोड़ना, यही दो काम है जो कि इस सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट में चलते हैं। मेरे ख्याल से फोर्ड एस्पायर सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड डिज़ाइन है इस सेगमेंट में। Volkswagen Ameo दोबारा थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, आगे से उसको 35 मिलीमीटर काटा हुआ है ताकि वो एक उस सेगमेंट में फिट हो सके। ऊपर से उसका रूफ लाइन करीब 50 mm के आसपास काटा गया था। बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन चेंजेस की जाती हैं और ये जैसे आपने बोला बहुत ही एक यूनिक सेगमेंट है, इंडिया के लिए ही बना हुआ एक सेगमेंट है जिसके लिए एटलीस्ट जो आपके ग्लोबली इतने बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको थोड़ा सा डेफिनेटली पूरा री इंजीनियरिंग एफर्ट लगाना पड़ता है डिज़ाइन से। अब जब आगे जाते हैं, जब आप शोरूम में घुस जाते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में आती हैं, और ये जो सेगमेंट बना है इस सेगमेंट में लोग जाते क्यों हैं? इस सेगमेंट में जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि आप हैचबैक से अपग्रेड कर रहे हैं, आपको एक 3 बॉक्स सेडान चाहिए
बॉक्स चाहे छोटा हो लेकिन थ्री बॉक्स हो, यानी कि एक बूट स्पेस चाहिए। होंडा अमेज का सीट्स बहुत बड़ा है, आगे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा थाई सपोर्ट आपको होंडा अमेज में मिलेगा, और गाड़ी स्पेस के मामले में सबसे आगे है। तो उस मामले में इवन जो प्लास्टिक्स यूज किए हैं, जो कलर्स यूज किए हैं, कैबिन बहुत ज्यादा एरी लगता है। इन पांचों गाड़ियों में एक ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी ने जिग्निशन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था साल 2014 में। जी हाँ, वो थी टाटा जेस्ट। इस गाड़ी ने यह दिखाया कि टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स वो कर सकते हैं जो शायद बाकी मैन्युफैक्चरर्स ना कर पाए। स्पेस के मामले में टाटा जेस्ट भी एक ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी में आपको हर चीज मिलती है, वो भी एक करेक्ट प्रोपोर्शन में। भारतीयों में एक बात बहुत अच्छी है, हर चीज में किफायत ढूंढी जाती है, और जब बात होती है किफायत की गाड़ियों के मामले में तो सवाल उठता है कि गाड़ी आखिर माइलेज कितना देती है। माइलेज चार्ट आप देख सकते हैं, इन सभी मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी गाड़ी को पेट्रोल और डीजल में उतारा है। सरकारी लहजे में पॉलिसी मैटर्स में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियां लगभग बराबर बिक रही हैं सभी की। माइलेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इकलौता मैन्युफैक्चरर जो इस वक्त डीजल में अवेलेबल नहीं है वो है द लेटेस्ट एंट्रेंट वोक्सवैगन की एमियो, लेकिन उसके लिए भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिवाली के महीने में वोक्सवैगन अपने डीजल इंजन के साथ अपनी गाड़ी को जरूर उतारेगा, ऐसा वोक्सवैगन की टीम का कहना है, और वो भी डीएसजी गियरबॉक्स के साथ, यानी कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में दिवाली के महीने में मिल जाएगा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा उसमें कि अमेयो एक लौदी ऐसी गाड़ी है जो अपने सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल के साथ आती है, जो कि एक बहुत ही यूनिक सा एक एलिमेंट लगता है मेरे को, क्योंकि ये सारी गाड़ियां मेरे ख्याल से क्रूज कंट्रोल, ठीक है बहुत अच्छी चीज है कि आप एक क्रूज कंट्रोल जैसा एक फीचर दे रहे हैं, लेकिन कितने लोग इसको यूज करेंगे ये पता नहीं। क्या पता इस क्रूज कंट्रोल को हटा करके आप कुछ और ऑफर कर सकते थे। फोर्ड की जो फीगो एस्पायर है वो अभी भी इस गेम में सबसे ऊपर है ड्राइविंग क्वालिटी के मामले में। इतने साल हो गए डिजायर को मार्केट में, लेकिन अभी भी जो ड्राइविंग प्लेजर है, जो डायरेक्टनेस है गाड़ी का चलाने के मामले में, वो काफी ऊपर है। होंडा के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ही डायरेक्ट आपको फीडबैक मिलता है डिजायर में, सबसे क्लोज आती है सेगमेंट में मेरे ख्याल से फोर्ड की फीगो एस्पायर। ओवरऑल मेरे ख्याल से सबसे बैलेंस गाड़ी है, राइड और हैंडलिंग का जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, राइड और हैंडलिंग का सबसे अच्छा बैलेंस है इस गाड़ी में मेरे ख्याल से, और इट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी फ्लेक्सिबल डीजल इंजन, 1.5 लीटर है, सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है सेगमेंट में। तो ऑफकोर्स वहां पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है क्योंकि यू कैन गो डाउन द गियर्स, यू कैन एंजॉय द टॉर्क अ लिटिल बिट मोर, एंड देन व्हेन यू आर फ्लोरिंग द थ्रॉटल देन द पावर किक्स इन, और फिर आपको और ज्यादा एंजॉयमेंट होती है उस गाड़ी को चलाने में। टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है और इस टेक्नोलॉजी का फायदा कार मैन्युफैक्चरर्स भी इस वक्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब लो कॉस्ट ऑटोमेटिक गाड़ियां आपको बाजार में नजर आएंगी। ट्रांसमिशन अलग अलग हो सकते हैं, एएमटी से लेकर सीवीटी कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके लिए राह आसान हो, और इस सेगमेंट में जिसकी हम बात कर रहे हैं सब फोर कॉम्पैक्ट सेगमेंट सेडान का, इसमें सभी गाड़ियों में ऑटोमेटिक का वेरिएंट मौजूद है सिर्फ बाय वोक्सवैगन की एमियो के, जो कि दिवाली तक बाजार में आ जाएगा। तो कई सारे पैरामीटर्स में हमने इस सेडान सेगमेंट को आपके सामने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में सवाल आता है कि वैल्यू फॉर मनी पैकेज कौन सा है। आशीष, कई सारे पैमाने हैं, उन पैमानों को एक बार और गौर कर लेते हैं। सबसे बड़ा पैमाना जो शुरुआत हमने करी थी वो था डिजाइन। डिजाइन के मामले में फोर्ड फीगो एस्पायर मेरी पसंद होगी, अमेज, यानी कि फीगो एस्पायर और अमेज दोनों डिजाइन के मामले में कहीं ना कहीं बराबर ठहरती हैं। जी, दूसरा जो पैमाना है वो है स्पेस का, कंफर्ट का, और उस मामले में जो गाड़ी होंडा अमेज मेरी पसंद भी है, होंडा अमेज, यानी कि होंडा अमेज अगर आपकी फैमिली का ध्यान रखते हैं और आप लंबे ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं तो उस लिहाज से आपके लिए होंडा अमेज ज्यादा बेहतर कार होगी। माइलेज जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस मामले में, होंडा की अमेज है जो कि डीजल गाड़ियों में हमारी विनर साबित होती है। पेट्रोल में मेरे ख्याल से मामला थोड़ा टाइट होगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखें मेरे ख्याल से मारुति की डिजायर ऊपर होनी चाहिए, यानी कि डीजल में अमेज और पेट्रोल में आपके लिए है
डिजायर अगर आप बात करते हैं माइलेज की। और एक और चीज है जिस पे हम भारतीयों का काफी ज्यादा झुकाव रहता है, वो है गाड़ी की रीसेल वैल्यू, जरूरी भी है। और उस मामले में वही गाड़ी है जो कि सबसे आगे रहेगी, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करती है, वो है मारुति सुजुकी डिजायर। बिल्कुल, लेकिन मुद्दा वही आता है आशीष कि पैमाने अलग 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 निर्णय, लेकिन अगर ओवरऑल एक गाड़ी चुननी हो, वैल्यू फॉर मनी पैकेज हमें चुनना हो, तो अपनी राय हम दर्शकों तक दे देते हैं। वैल्यू फॉर मनी पैकेज अगर एक चुननी हो, मेरे ख्याल से सब कुछ को अगर एक तोल के अगर देखा जाए, फीचर्स, ड्राइविंग क्वालिटी, डिजाइन, स्पेस, मेरे ख्याल से फोर्ड फिगो एस्पायर इज द मोस्ट कंप्लीट पैकेज इन द सेगमेंट। यानी कि फोर्ड फिगो एस्पायर है जो कि हमारी तरफ से एक कंप्लीट पैकेज है, वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने इन गाड़ियों के साथ काफ़ी वक्त बिताया है, इन गाड़ियों को लॉन्च से लेकर लॉन्ग टर्म रिपोर्ट तक हर जगह हमने इस गाड़ी को इस्तेमाल किया है। और उस लहजे से सिर्फ इकलौती फोक्सवैगन एमियो है जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है, उसको अगर अलग रख दिया जाए तो बाकी गाड़ियों के साथ हम अब काफ़ी समय बिता चुके हैं और वही एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा के आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।